जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केदारनाथ एवं तुंगनाथ की यात्रा की संपूर्ण जानकारी देंगे। आपकी यह यात्रा 5 दिनों की होने वाली है। आपकी यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर केदारनाथ, केदारनाथ से तुंगनाथ, तुंगनाथ से वापस हरिद्वार पर आकर समाप्त हो जाएगी। आप देश के किसी भी शहर के रहने वाले हो, सबसे पहले ट्रेन से हरिद्वार आ जाए। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो फ्लाइट से आप देहरादून पहुंच जाए। यहां आने के बाद आपकी यात्रा शुरू होगी। डे वन में आप हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए वाया बस निकल जाए। बस के लिए आपको 600 से 800 रुपए देने होंगे। अगर आप फ्लाइट से आए हो तो आपको देहरादून से भी सोनप्रयाग की बस मिल जाएगी। सोनप्रयाग के लिए आप शेयर टैक्सी से भी जा सकते हो। इसके लिए आपको 800 से 1000 रुपये देने होंगे। पर्सनल टैक्सी ले जा रहे हो तो इसके लिए 5 से 6000 रुपये देने होंगे। आप हरिद्वार से सुबह 5 से 9 बजे के मध्य में बस पकड़ने की कोशिश करें। 10 बजे बाद आपको सोनप्रयाग के लिए बहुत कम बसें मिलेगी, इसीलिए आप 10 बजे से पहले बस पकड़ लें। हरिद्वार से सोनप्रयाग की यात्रा में आपको 8 से 10 घंटों का समय लगेगा। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आप रुके कहाँ? सोनप्रयाग में रुकने के लिए आपके पास 6 ऑप्शन है। आप चाहो तो फाटा में स्टे कर सकते हो, आप चाहो तो गुप्त काशी में रुक सकते हो या सीतापुर रामपुर में भी रुक सकते हो। इसके अलावा आप गौरीकुंड में भी रुक सकते हो। फाटा, गुप्त काशी, सीतापुर रामपुर में आप 800 से 1000 रुपये में, जबकि सोनप्रयाग में आपको 1400 से 2000 रुपये प्रति व्यक्ति देने पड़ेंगे। इन सभी जगहों पर डोरमेट्री में रुकना चाहते हो तो इसके लिए आपको 500 से 800 रुपये देने होंगे। आप गौरीकुंड में स्टे करना चाहते हो तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आपको शेयर टैक्सी से 50 रुपये देकर जाना होगा। इस 5 किलोमीटर की यात्रा में आप किसी भी प्रकार का प्राइवेट और पर्सनल वाहन नहीं ले जा सकते हो। गौरीकुंड तक आप 30 से 40 मिनट में पहुंच जाओगे। टैक्सी के लिए आपको 1 से 2 घंटों तक लाइन में लगना पड़ सकता है। गौरीकुंड में आपको 1500 से 2000 रुपए प्रति बेड के हिसाब से रूम मिल जाएगा। गौरीकुंड में आपको डोरमेट्री 500 से 1000 रुपए में मिल जाएगी। 5 से 6 बजे तक सोनप्रयाग पहुँच गए हो तो गौरीकुंड में स्टे बनाए, ताकि आपको केदारनाथ का 16 किलोमीटर का ट्रैक करने में आसानी रहेगी। पीक सीजन में गौरीकुंड में रुकने में आपको थोड़ी समस्या आ सकती है। आपके पास लगेज ज़्यादा हो तो आप सोनप्रयाग और गौरीकुंड में लगेज रख सकते हो। इसके लिए प्रति बैग 24 घंटे के लिए 100 रुपये देने होंगे। आप सोनप्रयाग और गौरीकुंड में डे वन की यात्रा का स्टे बनाइए और रात्रि विश्राम कीजिए। डे टू, आप जल्दी उठकर 6 बजे के आसपास केदारनाथ बाबा के 16 किलोमीटर के ट्रैक पर निकल जाइए। 16 किलोमीटर के ट्रैक पर आपको ब्रेकफास्ट की सुविधा मिल जाएगी। 8 से 10 घंटों का ट्रैकिंग करके आप केदारनाथ बाबा के मंदिर के पास पहुंच जाओगे। केदारनाथ पहुंचने के बाद सबसे पहले आप रूम बुक करवाए। रूम बुक करवाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की बात करें तो GMVN के रूम, इसके लिए आपको यात्रा से लगभग 15 से 20 दिनों पहले ऑनलाइन बुक करवाना होगा। GMVN के स्वर्ग रोहिणी कॉटेज में फैमिली रूम 7720 रुपये में 4 बेड का रूम मिल जाएगा, जबकि स्वर्ग रोहिणी कॉटेज में आपको डोरमेट्री 1370 रुपये में पड़ेगी। वहीं आप नंदी कॉम्प्लेक्स डोम कॉटेज में डोरमेट्री 1146 रुपये प्रति बेड के हिसाब से आपके लिए पड़ेगी। नंदी कॉम्प्लेक्स में आपको ग्राउंड बेडे टेंट में 810 रुपये प्रति व्यक्ति देने होंगे। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो प्राइवेट होटल्स, अगर आप प्राइवेट स्टे करना चाहते हो तो होटल रूम आपको 2000 से 2500 रुपये में मिल जाएगा। ऑफ सीजन में आ रहे हो तो इसके लिए 1500 से 2000 रुपये देने होंगे। प्राइवेट ग्राउंड बेडेड डोरमेट्रीज के लिए आपको 700 से 1000 रुपये पर बेड देने होंगे। आप चाहो तो कैंपिंग टेंट में भी रुक सकते हो, इसके लिए 2 व्यक्तियों के लिए 2000 से 2500 रुपये देने होंगे। 3 व्यक्तियों के लिए 4000 रुपये देने होंगे, जबकि 5 लोगों के लिए 5000 से 7000 रुपये देने होंगे। इनके अलावा एक सस्ता ऑप्शन आपको और बताना चाहता हूँ। दिन में जो दुकानें रहती है उन पर आप रात को
300 से 500 रुपए प्रति बेड देकर ग्राउंड बेडेड डोरमेट्री की तरह यूज कर सकते हो। बेस कैंप के पास रजिस्ट्रेशन चेक करने का ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पर जाकर आप मंदिर के लिए आपका स्लॉट बुक करवा लें। आप केदारनाथ बाबा की संध्या आरती अटेंड करें और रात्रि विश्राम कीजिए। डे 3, सुबह 3 से 4 बजे के आसपास उठ जाए, स्नान करके मंदिर में लाइन लग जाए, केदारनाथ बाबा के दर्शन कीजिए। इनके अलावा भैरव बाबा मंदिर और आदि गुरु शंकराचार्य के स्टेचू के भी दर्शन कीजिए। आप सुबह 10 बजे के आसपास गौरी कुंड के लिए ट्रैक डाउन पर निकल जाए। 4 से 5 घंटों की ट्रैकिंग के बाद आप गौरी कुंड पहुँच जाओगे। गौरी कुंड पहुँचते ही आप शेयरिंग टैक्सी लेकर सोनप्रयाग चले जाए। अगर आप 5-6 बजे के आसपास सोनप्रयाग पहुँच गए हो तो यहाँ से आप तुंगनाथ यात्रा शुरू कर दे। यहाँ से आपको बद्रीनाथ वाली बसें मिल जाए तो आप चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाए। इसकी दूरी 70 किलोमीटर है, जिसका किराया आपको 400 से 500 रुपए देने होंगे, लेकिन बस मिलना आपके लिए थोड़ी मुश्किल है, इसीलिए आप शेयरिंग टैक्सी से जाए। सोनप्रयाग से पहले आप उकी मठ तक की टैक्सी पकड़े, इसका आपको 300 रुपए देने होंगे। उखी मठ पहुँचने के बाद आप आज के नाइट स्टे उखी मठ में ही कीजिए। उखी मठ में आपको रूम 500 से 800 रुपए प्रति बेड मिल जाएगा। डे 4, आप सुबह जल्दी उठकर उखी मठ से चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाए। यहाँ टैक्सी के लिए आपको 200 से 300 रुपए देने होंगे। चोपटा से 3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर आप 3 से 4 घंटों में तुंगनाथ मंदिर तक पहुँच जाओगे। यह मंदिर पंच केदार में आता है। तुंगनाथ मंदिर का ट्रैक पूरे साल खुला रहता है, लेकिन मंदिर के कपाट केदारनाथ यात्रा के दौरान ही खुलते हैं। मंदिर में दर्शन के बाद आप यहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंद्रशिला पहाड़ी के लिए निकल जाए। यहां का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। यहां आप वीडियोग्राफी और फोटोशूट करने के बाद वापस चोपटा के लिए निकल जाए। चोपटा से आप वापस उखी मठ वाली टैक्सी पकड़कर उखी मठ पहुंच जाए और जिस होटल में आप रात्रि विश्राम कर रहे थे उसी होटल में जाकर स्टे कर लीजिए। अगर आप उस होटल से चेकआउट कर लिया हो तो नई होटल ले सकते हैं। डे 4 का स्टे भी आप उखी मठ में कीजिए। डे 5, यह आपकी यात्रा का अंतिम दिन है। आज आप सुबह जल्दी उठकर ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए निकल जाए। इस मंदिर में शीतकाल के समय पंच केदार के पांचों मंदिरों के कपाट बंद होने की स्थिति में पांचों मंदिरों की मूर्तियां यहीं विश्राम के लिए लाई जाती है। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप उखी मठ से हरिद्वार के लिए बस पकड़ ले। बस का किराया आपको 400 से 500 रुपए देना होगा। इस यात्रा में आपको 8 से 10 घंटों का समय लगेगा और आप हरिद्वार पहुँच जाओगे। आपकी यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी। हर हर महादेव। अब हम पूरी यात्रा पर खर्च होने वाले बजट की बात करते हैं। डे वाइज बजट निकालते हैं। डे 1, बस फेयर हरिद्वार से सोनप्रयाग 800 रुपए, स्टे इन सोनप्रयाग 800 रुपए, डिनर 200 रुपए, टोटल 1800 रुपए। डे 2, ब्रेकफास्ट 100 रुपए, टैक्सी सोनप्रयाग से गौरीकुंड 50 रुपए, केदारनाथ ट्रैक पर ब्रेकफास्ट 100 रुपए, स्टे इन केदारनाथ डोरमेट्री 800 रुपए, डिनर 200 रुपए, टोटल खर्च 1250 रुपए। डे 3, ब्रेकफास्ट 100 रुपए, टैक्सी फेयर गौरीकुंड से सोनप्रयाग 50 रुपए, सोनप्रयाग से उखी मठ 300 रुपए, स्टे इन उखी मठ 800 रुपए, डिनर 200 रुपए, टोटल 1450 रुपए। डे 4, ब्रेकफास्ट 100 रुपए, टैक्सी उखी मठ से चोपटा राउंड ट्रिप 600 रुपए, स्टे इन उखी मठ 800 रुपए, डिनर 200 रुपए, टोटल 1700 रुपए खर्च। डे 5, ब्रेकफास्ट 100 रुपए, बस का किराया उखी मठ से हरिद्वार का 500 रुपए, टोटल 600 रुपए। इस प्रकार से आपकी पांचों दिन की यात्रा का कुल खर्च 6800 रुपए आता है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।